इतना बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, कॉफी पीने लगे हो। काफी भव्य बनाया गया है। आपको कैसा लगा महाकाल का दर्शन करके? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है यहाँ आके? इतनी अच्छी चीज बनाई गई है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे तो सो जाओ ना कार के अंदर। What's up guys, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अभिषेक और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, आप सभी के YouTube चैनल में। तो देखो आज हम निकल रहे हैं जबलपुर से टुवर्ड्स महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, और यहाँ से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है जिसको कवर करने में 10 से 12 घंटे लगेंगे। अभी सुबह के 6:20 के आसपास हो रहे हैं। ब्रश वगैरह कर लिया है, चाय वगैरह पीने के लिए हम कहीं देखेंगे, बीच में रास्ते में रुकेंगे, एक बार हाईवे पकड़ लेते हैं तो। लेकिन यहाँ के स्टे में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई थी रात के टाइम में। नहीं, यहाँ पे बगल वाले रूम में ना कुछ लोग यहीं के लोकल्स थे जो रात भर पार्टी किए हैं, आई थिंक 12-1 बजे तक पार्टी किए हैं। बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा था, बहुत ज्यादा, मतलब टीवी फुल वॉल्यूम में लगा रखा था, और फिर बातें इतनी, मतलब पता ही आपको पीने के बाद कैसे लोग बातें करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें हो रही थी। उस केस में हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, अब उसको हमें फेस करना पड़ा। रुकना ना आज के एफसी में? नहीं नहीं रुकना, चूहा कह रहा नहीं रुकना। किसके दोस्त आ गए? हाँ, बंदर के दोस्त। बंदर के दोस्त है ये सारे? तुम्हारे दोस्त नहीं है? हाँ हमको तो लग रहा है तुम्हारे दोस्त है, देखो तुम्हारे दोस्त जैसे दिख रहे हैं सब, फिर उछल भी रहे हैं सब। जैसे तुम कूदते रहते हो ना वैसे ये भी कूद रहे हैं। देखो यहाँ बैठा हुआ है ये, देखो। हो गया। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम एक छोटा सा रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि भूख जोरों की लगती थी यार, गाड़ी की स्क्रैच बहुत ज़्यादा लग गया है। कोई नहीं, इसका जाके वापस से डिटेलिंग करा देंगे, सही हो जाएगा। नाश्ता क्या करना है? मुझे सिर्फ चाय पीनी है। यस, तुम क्या नाश्ता करोगे? बदमाश, इसको हमेशा चिली चिकन खाना होता है। इसको चिली चिकन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है ट्रिप के ऊपर, है ना? मुझे सिर्फ चिली चिकन चाहिए। पापा के साथ मस्ती करने में इतना मजा आता है। नहीं देखो, हाँ। पापा की गोदी में कैसे बैठा है मेरा बेटा। अब पापा के चश्मा क्यों लगा लेते हो हमेशा हर बार? बहुत अच्छा लगता है आपको लगाना है। क्या खाओगे अभी? अभी तो मैं कॉफी पियोगे। इतना बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, कॉफी पीने लगे हो। शैतान बच्चा में ना सदाशी खुद ही कॉफी पीते। अच्छा और क्या कर ले, और क्या कर ले? तुमने कॉफी मंगाई थी यश, तुमने पी लिया? अरे नहीं, मम्मा को पीना पड़ा क्योंकि बहुत गर्म थी। गर्म थी कि हार्ड थी? पीछे ही बैठोगे आज? पीछे बैठोगे अभी? आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। लेकिन सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। हवा में डाल दिया सीट बेल्ट को इसने। खुला हुआ नहीं है। अच्छा घर पे तो एकदम कला मचा देती हो। सॉफ्ट है बेटा, खा के देखो। खा के देखो, सॉफ्ट है। दो दूसरा दो हमको, यश खा रहा है। सॉफ्ट है ना? अरे दूसरा दो ना, ये झूठा नहीं खाते हैं। बाप रे, अब से चलो झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। झूठा खाने से प्यार अगर बढ़ेगा तो अच्छा तो होगा। दीदी से प्यार कौन बढ़ाना चाहता बेटा? जिसका इसको था इंतजार वो घड़ी आ गई। नहीं, किस चीज का इंतजार था? केएफसी का। वहाँ सामने बैठ लेते हैं। रखो रखो, तुम्हारा आ गया, केएफसी आ गया। क्या खाओगे तुम सबसे पहले इसमें से बताओ? क्या खाओगे? क्रिस्पी वाला? टूट पड़ा ये। अब पापा का चश्मा अगर खराब हुआ ना तो पापा तुम्हारी क्या करेंगे? देखो अभी का सीन ये है कि शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि होटल मेरे को मिल नहीं रहा है जहाँ पे मुझे पार्किंग मिल जाए। जो मिल रहे हैं वो आउट ऑफ बजट है, मतलब कह लो एक दिन का 6,000-7,000 रुपये, उतना बजट नहीं हमारा। हमारा बजट थोड़ा कम होता है, तो उस बजट में एक होटल मेरे को दिख रहा है, देखता हूँ वहाँ पे पार्किंग अगर होगी तो बुक किया जाएगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा कुछ ऑप्शन ढूंढा जाएगा। बस
वो जगह अभी हम जा रहे हैं ड्राइव करके, ऑलमोस्ट यहाँ से अभी 4 किलोमीटर और दिखा रहा है, वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगर सही लगा वहाँ सब चीज़ तो वहीं पे बैठे बैठे होटल बुक कर लिया जाएगा। अभी काफ़ी जगह मैंने मतलब सर्च किया, बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो होटल मुझे बहुत दिख रहे हैं वैसे रोड में चला हूँ तो, बट एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन सर्च करने पे उतने ऑप्शन मेरे को नहीं दिखे। देखते हैं क्या होता है। वैसे अभी मैडम को भी मैंने पीछे काम पे लगा दिया है, बैठी रहती है कुछ करो धरो काम वम करो, इससे होता नहीं है। मैंने कहा सीखो एटलीस्ट, सीखने में देता नहीं हूँ। अभी ये बोलेगी, बोलो बोलो बोलो। मुझे कुछ नहीं बोल रहा है वो इंसान, मुझे ऑटो नहीं मैं खुद के लिए मेरे लिए बुक करने देता है खुद से, वो मुझे कह रहा है होटल बुक कर दो। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम टू होटल। फाइनली थोड़ा सा ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिल गया है जहाँ पे हमारे थोड़ा सा नहीं ढूंढने के बाद जहाँ सेफ पार्किंग है, हमारी कार अच्छे से पार्क हो गई है। कहाँ पार्क हुई है? अंदर हुई है ना, गेट के अंदर। और अब यश यहाँ पे अच्छे से नहाएगा धोएगा, फिर हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन करने। इसको देखो ठंडी में भी देखो, इसको एसी चाहिए, एसी चला के रखा है। ठंडी नहीं लगती तुमको? बदमाश, समझे? गजब की भीड़ है भाई साहब, गजब की भीड़ है। देखो रात के ऑलमोस्ट 7:30-8 बज रहे हैं, नहीं और भीड़ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और वो रहा महाकाल का मंदिर, थोड़ी देर में हम लोग दर्शन कर लेंगे। मिल गया टोकन मिल गया है, ये रहा मेरे जूते का टोकन। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे शुरू में ही जूते चप्पल निकालने के लिए, बट आपको निकालना नहीं है। यहाँ आप अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टैंड। हमने फालतू में मेहनत किया बाहर, जितने जूते चप्पल उतार गए हैं, और ये सारा कुछ यहाँ अंदर दिया हुआ है। यहाँ वही प्रोसेस होगा, थैले के अंदर डाल के रखना होगा, टोकन मिलेगा। काफी भव्य बनाया गया है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लाइटनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, और ये लाइन को जो भी ये भीड़ को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ सकता है, अभी तो खाली है, तो हो सकता है हम आधे घंटे के अंदर दर्शन करके निकल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मोबाइल फोन वगैरह लाना अलाउ है, तो ब्लॉगिंग में कर पा रहा हूँ, वरना चांसेस ना के बराबर थे। अच्छे तरीके से हमारा दर्शन हो गया, थोड़ा सा मैंने वेट किया, और जो आगे का जो लाइन होता है ना, मतलब एकदम लाइन नंबर 1, वहाँ से हमने दर्शन किया है। अच्छा लगा, अजीब सी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ आगे मिली मेरे को, मैं एक बार को सुन हो गया था, मतलब पूरी तरीके से इतना अच्छा लगा उनका दर्शन करके ना। ये मेरे लिए पहली बार था, लेकिन क्या बताऊँ, मेरी फीलिंग बहुत अच्छी थी। अब ये है कि अब यहाँ मुझे लगता है कि हर साल आना पड़ेगा, ऐसा मुझे आज फील आ गया है। आपको कैसा लगा महाकाल का दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा ना, अच्छे दिख रहे थे ना। हर महादेव। मंदिर परिसर में ना एक चीज़ का ध्यान देना है हमें, फ़ोन अलाउ है और बैग पर्स ये सब चीज़ अलाउ नहीं है। जूता चप्पल के लिए ना आप ये जो एरिया है ना, इतना पहन के चल सकते हो। अंदर जाओगे ना तो वहाँ पे आपको जूता चप्पल रखने का जगह मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अभी क्या काम करते हैं कि ये वाला जो एरिया जो बना है ना, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, घूमते फिरते हैं। कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ना, ये मेरा फेवरेट बन गया है। ये फेवरेट हो गया तुम्हारा? हाँ। और वो राक्षस का क्या नाम है? राक्षस का भूल गया। त्रिपुरासुर। हाँ, त्रिपुरासुर। क्या
क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है यार, कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पिक्चराइज किया गया है। आप वहाँ नंबर देख रहे हो, उस नंबर को ना अगर आप ऑडियो ऐप जो आता है इनका उसमें डालोगे ना तो पूरी कहानी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। मैं अभी वही सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड है कि नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है यार, रात में तो और भी प्यारा दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो फ़ोन का मेमोरी है ना वो फुल हो चुका है और शायद मैं वीडियो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड ना कर पाऊँ हर एक चीज़ का, बट दोबारा मैं ज़रूर से आऊँगा एक बार और पूरे अच्छी तरीके से इस जगह को घूमा जाएगा। यहाँ पे ना प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है, मतलब आपको मौका नहीं मिलेगा उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे प्रसाद काउंटर भी है, आपको इसके अंदर कॉरिडोर के अंदर मिल जाएगा। तो अभी मैंने रश्मि को भेजा है, प्रसाद लाएगी। यहाँ पे बैठने वगैरह का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है, आप आराम से यहाँ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उधर बगल में तालाब है, वहाँ पे भी आप बैठ के आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, क्या मतलब क्या चीज़ बना दिया है भाई साहब, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे हैं सारे सप्तऋषि हैं, यहाँ ऋषि मुनि जो भी सप्तऋषि में थे और उनकी पूरी कहानी इस पे लिखी हुई है यार। क्या कहती हो रश्मि, कैसा लग रहा है यहाँ आके? मतलब इतनी अच्छी चीज़ बनाई गई है ना इंडिया में, मैं पहली बार इतनी अच्छी चीज़ देखने को मिले। घूमने फिरने हम लोग रात के 11 बज गए थे, बहुत अच्छी जगह है यार। देखो यहाँ आना ना तो बकायदे टाइम निकाल के आना, हमारे पास टाइम थोड़ा कम था क्योंकि हम ऑन रूट थे वडोदरा के, हमने बस टाइम निकाल के हम यहाँ आए थे। हमें एटलीस्ट कम से कम एक से दो दिन का टाइम चाहिए, मिनिमम एक दिन तो चाहिए चाहिए कि सुबह सुबह आप आओ, दिन भर घूमो फिरो, सारे मंदिरों के दर्शन करो, शाम के टाइम जो कॉरिडोर बना है उसको देखो, क्योंकि जो रात के टाइम कॉरिडोर का व्यू आ रहा था ना बहुत ही सुंदर आ रहा था, बहुत ही अल्टीमेट आ रहा था। आप फोर व्हीलर लेके आ सकते हो, हमें यहाँ नहीं पता था, हमने यहाँ लोकल से पूछा तो उन्होंने बोला फोर व्हीलर लेके मत जाओ, आप ऑटो वगैरह कर लो उससे जाओ, लेकिन वहाँ फोर व्हीलर की बकायदे पार्किंग बना दी गई है और आप ले जाके गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा जो पार्क कर रखे थे, उन्होंने बोला बहुत जगह है और 25 रुपए के आसपास की पार्किंग फीस लग रही थी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी वहाँ पे। पार्किंग का जो लोकेशन है ना मैं गूगल मैप पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर से चेकआउट करना। होप करता हूँ ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दो लाइक, नए हो हमारे चैनल पर तो कर दो सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ ऐसी किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड एंजॉय योर लाइफ, एक ही लाइफ है, बाय बाय।